Hey guys, welcome to another vlog. अभी हम लोग ने शूज ले रहे हैं क्योंकि जो नॉर्मल शूज थे उन्हें बिल्कुल भी ट्रैक्शन नहीं बन पा रहा था. अभी मैं रिस्क पे चलते चलते व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारे में आइस ही आइस है. एंड राइट नाउ इट्स 12. अब हम लोग ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में. और अभी हम लोग ऐसे ही ट्रैक करते हुए जाना है. टुंगनाथ है यहाँ से अराउंड 4 किलोमीटर्स. मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बर्फ मेल्ट हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है. सो अभी केयरफुल होकर चलना है एंड लेट्स सी. ओह शिट. और मैं कैमरा भी अंदर रख देता हूँ. मिलते हैं आगे चलते हुए. और अभी ऐसे इस तरह के ट्रैक हैं फुल ऑफ स्नो और सिद्धार्थ भाई हमारे ये रहे. हाय बडी. एंड मैन ट्रैक बिल्कुल भी ईजी नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है. जिस तरीके से ट्रैक पे आइस पिघली हुई है तो उससे क्या है कि ट्रैक्शन बहुत कम हो गया है और बहुत लोग गिर भी रहे हैं और कुछ जने तो वापस ही चले गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी है. ऑलमोस्ट अराउंड पहुंच गए हैं वो कुछ वहाँ पे जैसे टेम्पल. अब यार व्लॉग भी नहीं हो पा रहा, सांस ही नहीं आ रही यहाँ बहुत, तो बहुत ज़्यादा ठंड है. और ये बहुत जल्दी जल्दी आए क्योंकि जितनी कि हम लोगों ने लेट स्टार्ट किया था. पूरा टेम्पल so finally I almost reached to Tunganath. That's Tunganath, world's highest Shiva temple. Finally यार बहुत दिन से मैं प्लान कर रहा था यहाँ पे आने का, आज मतलब पॉसिबल हो गया है. पूरा ट्रैक स्नो से कवर्ड है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आने में. अभी यहाँ से चंद्रशिला है अराउंड 1 किलोमीटर. वैसे बता रहे हैं सब लोग कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है जाना, बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई है वहाँ पे. 5-5, 4-4 फीट बर्फ जमी हुई है. हम लोग ने स्टार्ट किया था अराउंड 12, तो हम लोग को लगे 2 आवर्स पूरा ट्रैक करने में ऊपर तक. मंदिर के दर्शन करते हैं एंड अभी अगर पॉसिबल हो पाया तो हम लोग चंद्रशिला तक जाने का ट्राई करेंगे. होपफुली लेट्स सी. कुछ तो बात है इस जगह में, कुछ खास जो मैं लफ्जों में तो बयां नहीं कर सकता, बस फील कर सकता हूँ. तो अभी हम लोग चंद्रशिला के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं और देखते हैं होपफुली कहां तक पॉसिबल हो पाता है. चंद्रशिला पॉसिबल नहीं हो पाया. मैं एक्चुअली वहां तक गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो है और भाई चलने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है. कुछ ऐसा व्यू है पीछे. कुछ ज़्यादा ही बर्फ है. सो फाइनली डिसाइड किया कि और अब चलते हैं वापस टुंगनाथ होते हुए नीचे. बहुत सी एक्सपीरियंस था मैन, मतलब एक दो बंदे गए भी हैं पर तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. सब के सब लोग मतलब थोड़ी हाइट से नीचे से वापस आए जा रहे हैं. या तो अमेजिंग एक्सपीरियंस और बर्फ का इतना ज़्यादा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगी. तो वो सब नीचे जाने के लिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ उस साइड अपना टुंगनाथ टेम्पल. तो चंद्रशिला से वापस आते वक्त ही हम लोग ने शॉर्टकट लिया है और भाई बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा स्लिपरी हो रखा है. मैंने थोड़ा लास्ट में निकाला है इसलिए कैमरा, होपफुली गिरे ना. और बस ये शॉर्टकट वाला ट्रैक ख़त्म ही हो गया. इस तरीके का है
वो अभी यहाँ से आया हूँ पूरा वहाँ से अमेजिंग मैन। और भाई व्यू हाँ सो गाइस मैं नीचे जाने के लिए ट्रैक स्टार्ट किया तुंगनाथ से 4:15 पे और अभी अराउंड 15 मिनट्स हो गए हैं और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा अगर पीछे का व्यू आ रहा हो तो बहुत ज़्यादा सही। पर ओ मैन और भाई फाइनली ये मैं अब तक गिरा नहीं था, मैं भी लास्ट में बस गिर ही गया। पर विद माय सनग्लासेस मैन लेट मी पुट ऑन द सनग्लासेस। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, गिरा पर मैं पूरा नहीं गिरा, हाथ से मैंने अपने आप को बचा लिया। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है वो, बर्फ इस टाइम तो भाई गोल्ड लग रही है। हाँ और कुछ लोग ये जा रहे हैं आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, वही यहाँ का तो पकड़ने के लिए बना हुआ है वैसे। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और मतलब भाई काफ़ी मज़ा आया ट्रैक करके। और मतलब डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि ऊपर मतलब तुंगनाथ से ऊपर का तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तुंगनाथ से ऊपर का काफ़ी डिफ़िकल्ट है बिकॉज वहाँ पे मतलब ट्रैक ही नहीं बने हुए हैं, बहुत ही पतले पतले ट्रैक हैं और बिल्कुल सोओ पैर रख के चलना पड़ रहा है। और साइड में बस एक एक्स्ट्रा पैर की जगह है और हल्का सा भी अगर एक्स्ट्रा गया तो भाई नीचे बंदा। सो बस अभी चलते हैं कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है नीचे जाने। वैसे नीचे जाने में टाइम नहीं लगेगा और अब मैं थक भी गया हूँ और मुझसे भाई पकड़ा भी नहीं जा रहा है, भाई मुझसे कैमरे पकड़ा नहीं जा रहा, मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। हाँ क्या भाई डाउनहिल्स की तरफ जाते हुए अपने डेस्टिनेशन को। फाइनली हम लोग ने ट्रैक खत्म कर ही लिया है और अभी मतलब रात भी हो गई है और हम लोग ने आयरन स्टार्ट किया था नीचे आना 4:30 पे एंड अभी हो गया है टाइम अराउंड 5:45। सही एक्सपीरियंस रहा। डे 3 ऑफ द ट्रिप और बस अब हम लोग निकल रहे हैं आज दिल्ली के लिए वापस।